साइकिल के दौरान हम कौन सी मेडिसिन जो है वो सप्लीमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं मेरे भाई? वो डिपेंड करता है आप कौन सा साइकिल कर रहे हो। देखो अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आप दो तीन सप्लीमेंट जो है ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो। जैसे मल्टीविटामिन, वो क्या करेगा, जो कुछ भी आप खाओगे वो आपके मसल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। अगर आपके जॉइंट के रिलेटेड थोड़ा बहुत इशू है तो विटामिन डी ऐड कर सकते हो सेपरेटली, वीकली बेस पे उसको एक कैप्सूल खाना होता है। उसके अलावा फिश ऑयल आप खा सकते, अगर आप डाइट में फिश नहीं है तो फिश ऑयल जो है ना ओमेगा 3 वो आप ऐड जो है ना वो कर सकते हो। उसके अलावा ग्लूटामिन आफ्टर वर्कआउट जो है वो आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा कोई प्री वर्कआउट अगर आपने ऐड करना है तो यू कैन ऐड अ ब्लैक कॉफी पी लोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। उसके अलावा अमाइनो की टैबलेट जो है वो आप ऐड कर सकते हो। अगर आप प्रोटीन वगैरह नहीं पीते हो तो अमाइनो की टैबलेट जो है ना वो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने ज्यादा गेनिंग करनी है तो देन यू कैन ऐड एनी वेट गेनर विद वाटर, नॉट विद मिल्क, विद वाटर, ये आप कर सकते हो, ठीक है। जबकि कटिंग में क्या देखा जाए, आप साइकिलिंग कटिंग का कार्य तो उसमें मोस्टली देखिए उसमें भी मल्टीविटामिन आप ऐड कर सकते हो। फिश ऑयल ऐड कर लोगे आपके आर्गन के लिए भी अच्छा रहेगा। उसके अलावा विटामिन डी, अगर आपको ड्यूकेलेट को इशू होती है प्रॉब्लम है तो विटामिन डी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लीफ 52 जो है ये दोनों में आप ऐड कर सकते हो, कटिंग में भी गेनिंग में भी, ठीक है, आपके लीवर की सपोर्ट के लिए सही हो गया। और उसके अलावा अगर आप साथ में मसल भी गेन कर रहे हो, फैट लॉस भी कर रहे हो, साथ में मसल भी गेन करना चाहते हो तो आप अमाइनो की टैबलेट कर सकते हो या ग्लूटामिन जो है अनफ्लेवर्ड वो आप आफ्टर वर्कआउट जो है वन स्कूप जो है वो ले सकते हो। और गेनिंग में आप क्रिएटिन जो है वो भी मॉर्निंग में 5 ग्राम जो है ऐड कर सकते हैं।